हेलो पिला माने हाय तो केमती अछन्ती आपन माने भाबु समस्त भलो दिबे ठीक अछि। तो आज हम स्टार्ट करबा हमर लेक्चर। तो आगो क्लास जे छाडी दिला जो छाडी दिली आज से हम स्टार्ट करबी। तो आगो क्लास रे हम कोन पढथले वार पावर एनर्जी चैप्टर जोडे के हम टारगेट पढथले काय भाई ओडिसा पुलिस आरआई और ओएसएसटी रे एग्जाम पाई जोडे के बहुत नियर रे अछि। तो मान करो तो हमें वर्तमान से जोडा छाडी दिलु सेउ हम स्टार्ट करू। तो आगो क्लास में कोइ दिली वार कथा को जाय वार को डेफिनेशन कोइ दिली वार को फार्मूला कोइ दिली एफएस cos थीटा कोइ दिली फार्मूला वार को डायमेंशन बाय कर दिली यूनिट बाय कर दिली एसआई यूनिट कोइ दिली सीजीएस यूनिट कोइ दिली। तो वार के टाइप ऑफ वार भी जान दिले पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो तारा एग्जांपल दे दिली जोडे के एग्जाम में इंपोर्टेंट था। तो आज ही आउ कुछ आउ कुछ जीवा आउ कुछ पढ़ीबा तापर न्यूमेरिकल करबा क्वेश्चन प्रैक्टिस करबा जोडे के तुमको इजी हो क्रैक करिया पई हमें जो टारगेट ओडिसा पुलिस आरआई आउ ओएसएसटी पाई जेनरल साइंस फिजिक्स पेपर तो जमती किसी प्रॉब्लम हो नाही ठीक अछि। तो आज हमें पढ़ीबा कोन वर्क कंप्लीट हेतिला आज हमें पावर देखिबा नेक्स्ट एनर्जी देखिबा तापर प्रॉब्लम आउ क्वेश्चन आंसर करिबो। तो नेक्स्ट देखिबा पावर नेक्स्ट तो हमें कोन देखिबा पावर। तो पावर हक पावर व्हाट डू यू मीन बाय पावर। तो पावर माने सर पावर माने रेट ऑफ डूइंग वर्क यदि कार्य करबा समय अनुसार और टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क रेट ऑफ डूइंग वर्क को हमें कौन कहते पावर कहते। तो लिख लो पावर का क्या कहते रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर है ना। तो जानि गेलो पावर का क्या कहबो जत बड़े हमें यदि समय अनुसार किसी कार्य को करबा कार्य कर दे तो फोर्स अप्लाई करे बोले डिस्प्लेसन से तुम कौन कह दे कार्य कर सही कार्य को यदि समय अनुसार करबा पावर ला कह शॉर्टर द टाइम लार्जर द पावर माने जते कम टाइम से कार्य अधिक कर पाए हम पावर से से अधिक हम कह पाए बुझी हो छले बुझी हो ठीक अछि। तो पावर डेफिनेशन जे तो पावर मैथमेटिकल फार्मूला पी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम हला अगर हमें एवरेज पावर को देखा एवरेज वर्क अपॉन टाइम तो यदि समय अनुसार हमें किसी वर्क करे तो हम कौन देखा पावर जनरेट करे मु कौन कहली शॉर्टर द टाइम लार्जर द वर्क यदि कम टाइम में यदि अधिक वर्क करे ताले पावर का कौन है अधिक जनरेट करे। यदि समय कम समय में करे यदि हमें अधिक वर्क अधिक एफिशिएंसी का कार्य कर पाले तो ताको हमें कौन कहला अधिक पावर एक्टिव लिख पाईबा। तो हमें एक्टिव लिख पाईबा पावर एनर्जी अपॉन टाइम लिख पाईबा एनर्जी अपॉन हमें कौन लिख पाईबा यदि हमें कम टाइम में अधिक एनर्जी जनरेट कर पाले अधिक एनर्जी कंजप्शन कर पाले तो कम टाइम में यदि अधिक एनर्जी प्रोड्यूस कर पाले ताले हमर कौन पावर का अधिक हो बुझी पर्छ। तेणु पावर कहा कोई पाईबा रेट ऑफ डूइंग वर्क यदि कार्य करबा समय अनुसार ताको हमें कौन कहबा पिला माने पावर। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर बुझी हमरा बुझी हला कि पावर हमें कहा को जाय क्या पावर का आउ कुछ फार्मूला लिखिबा। तो बर्तन एडी पावर को लिखि परबे तो पावर हम कौन लिखे डब्ल्यू बाय टी तो पी इज इक्वल टू कौन वर्क अपॉन टाइम लिखि परबे बुझी बात जाना दोस्तों। तो हमें जानि छे डब्ल्यू इज इक्वल टू कौन एफ डॉट एस बाय का कौन लिखि परबे टाइम लिखि परबे बुझो एडा लिखले कोन वेक्टर क्वांटिटी एडा लिखले कोन वेक्टर क्वांटिटी बुझो एफ डॉट एस। तो बर्तन में हम एंट्री लिख परबा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम बोल से देखो मैथमेटिकल फार्मूला हम कौन बात से लेके हम प्रॉब्लम में दरकार। तो बर्तन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमें जान से डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में कौन देगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हम कौन बुझे ए पार्ट को हम कौन बुझे वेलोसिटी को चले में कोने कौन बुझे वेलोसिटी को चले ला में बुझी पाछ ता माने तो फोर्स इनटू कोने होला वी ता माने हम लिख पर वी पावर रा हमने कोन फार्मूला आ गेला पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी वेलोसिटी हला ता माने पावर को दीटा फार्मूला लिख पाई होलो। तो पावर रा दीटा फार्मूला कोन होला पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी और पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय टाइम। तब हम तो समझते पावर फार्मूला ना बुझी दिबो तब नेक्स्ट हम जीवा पावर यूनिट्स को लिखिबा उल्लेख दो जे तक नोट डाउन कर दियो
यूनिट देखिबा हला तो पावर रे यूनिट कोन आमे देखिबा तापर पावर रे डायमेंशन बाहर करिबा तो आगु का आगु छि तो मु कोन कहितली तो पावर फार्मूला मतलब पी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम बाकी ना तो बटन यूनिट आमे एसआई यूनिट देखिबा और सीजी सी नॉर्मली आमे एसआई यूनिट हो बटन को प्रकार यूनिट देखिबा एसआई तो वर्क यूनिट कोन जूल टाइम यूनिट कोन सेकंड हला यदि लेंथ 1 सेकंड इज 1 जूल ऑफ वर्क मतलब माने 1 वाट पावर जनरेट हो बुझी हो छी ताको हिंदी कोइ परबा ताको जूल और सेकंड और ताको हम कोन कोदी वाट भी पावर रे केना कोन कोइ परबा वाट ऐसे यूनिट हम कोन कोइ परिया छ माने वाट ताने 1 वाट डिफाइन 1 वाट यदि डिफाइन 1 वाट करा जाए डिफाइन 1 वाट कुटे वाट को डिफाइन करो हला तो 1 वाट को डिफाइन करे तो तबले 1 सेकंड रे तबले 1 जूल लो कार्य करे वर्क करे तबले 1 वाट कोन जनरेट करा छ माने पावर जनरेट बुझेला वाट समस्त बुझी पाथिबो मु कोन कहली जते बले 1 सेकंड रे 1 जूल ला में तबले कार्य करे 1 जूल कि एनर्जी प्रोड्यूस करे तबले हमर 1 वाट कोन हला पावर जनरेट हला बुझेला मु कोन कहली जते बले 1 सेकंड रे 1 जूल लो कार्य करे तो 1 जूल कार्य करे 1 सेकंड टाइम लेला रेट ऑफ डूइंग वर्क कार्य करे 1 जूल केते टाइम रे 1 सेकंड रे तोला हम केते पावर जनरेट होला छ माने 1 वाट पावर जनरेट ता माने मन रखिबो दिस इज आल्सो द वाट इज आल्सो द यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ पावर आमे वाट के बारे में आ किछ बिगो यूनिट रे किलोवाट भी कोइ परछु मेगावाट भी कोइ परछु मेगावाट गीगावाट भी कोइ परछु टेरावाट भी कोइ परछु एकुरा सब कुडा कहा रे यूनिट दीस आर द यूनिट ऑफ पावर बुझेला ना बुझेला नी तो पावर रो एसआई यूनिट आइयो तो कोन जूल सेकंड कोइ परछु वाट कोइ परछु बुझी हुछ ना बुझी होनी नेक्स्ट किलोवाट मेगावाट गीगावाट हला जेतोले जेतोले इंडस्ट्रियल पर्पस रे पावर के जेतोले यूज करे जेतोले लार्ज पावर दरकार हो इंडस्ट्रियल पर्पस रे कोन होजे पावर लार्ज पावर दरकार हो तो सेम लार्ज पावर को आउर गोटे तार बिगर यूनिट अछि किलोवाट रे भी तमे मेजर करछे हॉर्स पावर रे भी मेजर करछे हॉर्स पावर गोडा रो पावर से तमे मन त कंपेयर करछे एचपी हला पावर रे आउर बिगर यूनिट कोन छ माने हॉर्स पावर एचपी हॉर्स पावर हला तो मन रखियो गोटे रिलेशनशिप अछि पचारे एग्जाम रो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट हला एटा ब्रिटिश सिस्टम अनुसार हला एटा ब्रिटिश सिस्टम अनुसार गोटे हॉर्स पावर वैल्यू केते 746 वाट बुझेला ना बुझेला नी गोटे हॉर्स पावर वैल्यू केते 746 गोटे हॉर्स पावर वैल्यू केते 746 वाट बुझे हो चले बुझे होनी 746 तो गोटे हॉर्स पावर वैल्यू केते 746 एटा को सिस्टम यूनिट अनुसार ब्रिटिश सिस्टम यूनिट अनुसार एटा हमें मेजर कर जे हमें पढ़ू छ आ ओरे सिस्टम यूनिट अछि तो से सिस्टम यूनिट अनुसार गोटे बड़े बड़े हमें जत बड़े मैथमेटिकल प्रॉब्लम करू बड़े बड़े ए आधार में गोटे हॉर्स पावर वैल्यू हमें केते को 746 वाट इन जनरल केस रे आ ओरे 735.5 वाट भी गोटे हॉर्स पावर वैल्यू हमें गोटे हॉर्स पावर वैल्यू 1 हॉर्स पावर वैल्यू मैट्रिक सिस्टम अनुसार 735.5 वाट एटा भी हम करू एटा को सिस्टम अनुसार मैट्रिक सिस्टम अनुसार हला मैट्रिक सिस्टम अनुसार गोटे हॉर्स पावर वैल्यू केते 735.5 वाट किंतु ब्रिटिश सिस्टम अनुसार कोन गोटे हॉर्स पावर वैल्यू केते 746 टिके टिके डिफरेंट क्वाइट डिफरेंट पखावे के समान एप्रोक्सीमेटली तक हम इक्वल को अलग अलग वैल्यू आछि तो तोले प्रॉब्लम रे डाटा दे दिजो हमने हॉर्स पावर 735.5 वाट हम ओके हो बाकी जे बाकी दिबो ओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर इन द फॉर्म ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर इन फॉर्म ऑफ हॉर्स पावर और गोटे हॉर्स पावर वैल्यू केते इन फॉर्म ऑफ वाट रे इन मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट अनुसार ताले तुम आंसर के लिखो 735.5 वाट जदि दिदिबो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 हॉर्स पावर हॉर्स पावर को वाट में कन्वर्ट करछ इन द फॉर्म ऑफ ब्रिटिश सिस्टम
तारो मूल्य कते 746 746 वाट बुझेला हला 735.51 एटा 746 वाट तो बुझेला ओ बाबूजी बुझी पड़ती तो वर्तमान में जानि गेलो पावर ऑफ एसआई तो पावर हमें कोई नहीं लिखा नेक्स्ट सीजीएस व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ पावर व्हाट इज द सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम ऑफ सेकंड देखो आप हम कोई भी ग्राम तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम तुमको पढ़ी छी तो पावर इज इक्वल टू कौन दिखाउ छी ना तो पावर इज इक्वल टू लिख के लिखू छी तो पावर पावर इज इक्वल टू हमें जानते हैं वर्क अपॉन टाइम मतलब सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट को चला तो वर्क और सीजीएस यूनिट कौन कोई थी और कोई थी और टाइम और कौन कोई थी सेकंड और सेकंड इनवर्स तो सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट रे टाइम यूनिट वाला कौन सा माने और आउ सेकंड इनवर्स को बाबूजी तुम माने बुझी पारे ठीक अछि तो हमें बुझी पाले पावर कहा को आ रेट ऑफ डूइंग वर्क यदि कार्य करिवा समय अनुसार तक हमें पावर कोई पाले तने कोई बरिया लेसर द टाइम मोर द वर्क देन पावर इज मोर यदि कम टाइम इतने यदि अधिक कार्य कर परिवा अधिक एनर्जी यदि कंज्यूम कर परिवा अधिक एनर्जी यदि प्रोड्यूस कर परिवा कम टाइम इतने सेट बेला हमें कोन मोर पावर जनरेट हो यदि हमें कोई पाले तो ई ओवरऑल तो माने जानि गलो पावर रो कोन यूनिट जानि गले पावर रो फार्मूला जानि गले नेक्स्ट पावर रो डायमेंशन हला तो पावर रो नेक्स्ट डायमेंशन कोन अछि देखियो देखो मुझे बड़े बड़े कोणी तक लिखो जो भी तुम्हें जो खुशी कर छो तो मैंने कमेंट सेक्शन ले मते तुम कौन कर कमेंट तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट पाओ नहीं तुम मन कर तो आ गए गए दुखर कथा पिला माने देखु छथि समस्त प्राय देखिबा परसेंटेज जो माने से सब्सक्राइब करना तो सीटा बड़े आपको दुख लाग जे हम माने एते परिश्रम कर छ समस्त पाखरे पहुंचे दवा पई किंतु पिला माने ताको सब्सक्राइब कर नहीं देखु छथि व्हाट्सएप पर देखु छथि किंतु सब्सक्राइब कर कोई डायमेंशन एनालिसिस को
କହିଥିଲି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ବି ଆମର ବେଗ୍ ମିଡିୟମ୍ ଅଛି ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଫର୍ମରେ ବାହାର କଲେ ସେଥିରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଏମ୍ଏଲ୍ଟି ମାସ୍ ଲେନ୍ଥ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଫର୍ମରେ ବାହାର କଲେ ସେଥିରେ ତିନି ଟାଇପ୍ ଫର୍ମ ଅଛି ତ ଏମ୍ ଏଲ୍ ସ୍କୋୟାର୍ ଓଭର୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଓଆର୍ ପଡ଼ିଆ ଅନୁସାରେ ଏଇଠି ପୁଟ୍ କରିଦେବା ଓଆର୍ ପଡ଼ିଆ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହେଲା ଏମ୍ ଏଲ୍ ସ୍କୋୟାର୍ ଟୁ ଦି ପାୱାର୍ କେତେ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ ଟାଇମ୍ ବାଇ ଟି ରଖିବେ ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲା ଏଇଟା ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲା ତ କେତେ ହେଲା ଏମ୍ एल स्क्वायर क्यूब पावर कितने माइनस थ्री दिस इज द डायमेंशन ऑफ कौन है मैंने पावर एटा उचु पावर का डायमेंशन तो मैंने नोट डाउन कर दियो बुझे गए ना बुझे गए पावर मैंने वर्क को पढ़ते हैं वर्क का डायमेंशन कौन कहते हैं हमने एम एल स्क्वायर क्यूब पावर माइनस टू एम एल स्क्वायर क्यूब पावर माइनस टू डिवाइड बाय टाइम बाय कौन कहते हैं कि पीरियड ऊपर चलेगा माइनस टू दिला माइनस वन तो माइनस थ्री तो एम एल स्क्वायर क्यूब पावर माइनस थ्री तो एग्जाम्पल पूछा दे पर व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ पावर बुझे गए तो पावर हमें डायमेंशन बुझ पाले पावर कौन बुझिले यूनिट्स बुझिले पावर को प्रकार क्वांटिटी बुझिले स्केलर ना वेक्टर ना टेंशन ना को प्रकार क्वांटिटी तो स्केलर क्वांटिटी हम बुझिले तो पावर डेफिनेशन बुझिले तो वर्तमान हमें आगे को आ कुछ किछि जीवा जानिबा हला आ कोन अछि देखियो पावर खाली यूनिट बड़े एसआई यूनिट का आउटपुट डिवाइस कर दूं एसआई यूनिट पावर एसआई यूनिट मु कौन बोली पावर इज इक्वल टू वाट बाय टाइम तो वाट रो जूल पर सेकंड पे एसआई यूनिट और ता कौन बोली वाट बोली और कौन बोली किलोवाट बोली और कौन बोली मेगावाट बोली और जीगावाट टेरावाट ये बोले बोले करो यूनिट आउट कौन बोली हॉर्स पावर ये सब हमें कौन बोले पावर यूनिट हैला सेकंड को रिलेशन कोली तो मन में दियो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट हैला का हमें आगे प्रॉब्लम कोला है दरकार को गोटे किलोवाट को वैल्यू केते 1000 वाट से तो समान 1000 वाट से तो समान तो वर्तमान हमें जानि गलु पावर कोन जानि गलु तो नेक्स्ट हम जानि हम टॉपिक कोन वाट पावर एनर्जी नेक्स्ट है सिर्फ एनर्जी तो एनर्जी हमें देखिबा ऊपर एनर्जी लगे तो वर्तमान एनर्जी हमें कहा पहुंचे हमें जानिबा एनर्जी कौन एनर्जी हमें कहा पहुंचे तो हेडिंग करो पिला माने एनर्जी हेडिंग करो एनर्जी हैला एनर्जी एनर्जी तो एनर्जी हमें कहा कहबो शक्ति शक्ति एनर्जी माने कौन शक्ति तो शक्ति कहा कहबो एनर्जी हमें कहा कहबो एनर्जी हमें कितने प्रकार देखे छे बहुत प्रकार एनर्जी देखे छे कैपेबिलिटी टू डू वर्क और एबिलिटी टू डू वर्क हमें कौन कह एनर्जी कार्य करार क्षमता को हमें कौन कहते शक्ति को कैपेबिलिटी और एबिलिटी कैपेबिलिटी कैपेबिलिटी टू डू वर्क और एबिलिटी टू डू वर्क एबिलिटी टू डू वर्क कैपेबिलिटी टू डू वर्क और एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड इज कॉल्ड एनर्जी तो आम कौन कह एनर्जी कह कार्य करता सरी कार्य करबिलिटी टू डू वर्क आम कौन कह एनर्जी है आम जो कार्य करते क्षमता अच्छे केमत कार्य कर सपोज तुम्हें बहुत प्रकार एनर्जी अच्छी
किसी होनर्जी विभिन्न प्रकार अच्छी तो ये चैप्टर में आम देखा मेकानिकल एनर्जी मानते मैंने पार्टली आम मेकानिकल एनर्जी पढ़ा जोटा कि तुम एग्जाम सिलेबस भर आसूस मेकानिकल एनर्जी एग्जाम क्वेश्चन आस तो ये चैप्टर में देखा मेकानिकल एनर्जी ठीक अच्छे तो मेकानिकल एनर्जी रीडिंग कर तो एनर्जी में बुझे तो जो एनर्जी क्या कैपेबिलिटी गोटे कार्य करने केपाबिलिटी आम केपाबल सीटा हो एनर्जी जना पड़ी आम एनर्जी के बुझे पार्छ गोटे कार्य करपाबल से जना पड़ा एनर्जी केमें कौन कहली केपाबिलिटी टू डू वा गोटे कार्य करते capability को हमें कौन कहते एनर्जी है तो एनर्जी वर्क एंड एनर्जी एट दिस सेम यूनिट एंड सेम डायरेक्शन कौन रखियो ये वाला पॉइंट ले लो जी जोड़ा वर्क का कौन थे वर्क एंड एनर्जी हैज सेम यूनिट एंड डायरेक्शन तो वर्क एंड एनर्जी हैज सेम यूनिट एंड डायरेक्शन तो वर्क का जो भी यूनिट कौन थे एनर्जी भी सही काइनेटिक एनर्जी तापर देखा पोटेंशियल एनर्जी तो बर्तमान
हेडिंग करो काइनेटिक एनर्जी तो बर्तमान समय कौन हेडिंग करवा काइनेटिक एनर्जी तो लिखो काइनेटिक एनर्जी एनर्जी के ई बर्तमान हम पढ़ा काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी जो हमने कहा है कोई एनर्जी प्रोड्यूस बाय मूविंग ऑब्जेक्ट द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस हुए माने गति करथुआ गतिशील वस्तु द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस हुए ताको हमें कोन कहती काइनेटिक गति जो शक्ति हमें बोलछे गति करथुआ वस्तु द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस हुए ताको हमें कोन बोलछे काइनेटिक एनर्जी मूविंग पार्टिकल द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस हुए सेही प्रकार एनर्जी को हमें कोन कहती काइनेटिक एनर्जी तो देखो एनर्जी प्रोड्यूस बाय मूविंग पार्टिकल एनर्जी एनर्जी प्रोड्यूस बाय मूविंग पार्टिकल एनर्जी प्रोड्यूस बाय मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी बुझेला त माने काइनेटिक एनर्जी कहा को से को बोली एनर्जी प्रोड्यूस बाय मूविंग पार्टिकल गति करथुवा पार्टिकल मान को द्वारा जो एनर्जी तुम माने प्रोड्यूस करछ सेही प्रकार एनर्जी को हमें कोन कहते छ माने काइनेटिक एनर्जी हला तो काइनेटिक एनर्जी गति शक्ति कोन बोली एनर्जी प्रोड्यूस बाय मूविंग पार्टिकल मूविंग पार्टिकल द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ताको हमें कोन कहते काइनेटिक एनर्जी देखो।